हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धीरेंद्र डबास और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी में। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कन्याकुमारी और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कन्याकुमारी कैसा है और यहां आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो जल्दी से देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर कन्याकुमारी में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने कार्य किया कि हम सनसेट पॉइंट पर जा रहे हैं सनसेट देखने। और दोस्तों, कन्याकुमारी का सनराइज और सनसेट देखना अपने आप में एक बेहद रोचक चीज है। तो दोस्तों, अब जब तक हम वहां जा रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि ये बाजार है और जहां पर हम रुके थे यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है सनसेट पॉइंट। पिछला पॉइंट आपने देखा दोस्तों रामेश्वरम का, आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब हम आ पहुंचे हैं दोस्तों सनसेट पॉइंट पर। दोस्तों, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि जिस दिन हम यहां गए मौसम खराब होने के कारण हम सनसेट नहीं देख पाए, लेकिन जो ये जगह थी दोस्तों सनसेट पॉइंट वो बेहद खूबसूरत थी। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि आप कन्याकुमारी में कहां कहां घूम सकते हैं और कहां रुक सकते हैं। तो चलिए बातें करते हैं दोस्तों कन्याकुमारी के बारे में। तो दोस्तों, कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है, जहां भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। यानी कि यहां जो है ये तीन सागर मिलते हैं और बेहद खूबसूरत जो है नजारा प्रस्तुत करते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। भारत के पर्यटन स्थल के रूप में इस स्थान की अपनी ही एक महत्व है। तो दोस्तों, अब हम जो है सनसेट पॉइंट को देखकर हम जो है वॉकिंग करते हुए ही जो दोस्तों अपने जो है धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने जो है क्या कर रखा है दोस्तों, सनसेट पॉइंट से बिल्कुल जो समुन्द्र के साथ साथ एक रोड बना रखा है और इसको जो है पूरी की पूरी जो है मार्केट है। तो आप इस पर जो है दिन में या शाम को जरूर घूमिए दोस्तों, बहुत प्यारी जगह है, देखने लायक जगह है। दोस्तों, कन्याकुमारी के बारे में कुछ और बात करते हैं। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर और पांडियन के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुरन को वरदान दिया था कि कवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक चीजें। और अब हम आ पहुंचे हैं दोस्तों सुबह सनराइज पॉइंट पर और आपको दिखा रहे हैं कि कन्याकुमारी का सनराइज कैसा है। तो दोस्तों, बेहद जो है खूबसूरत नजारा था। कन्याकुमारी का सनसेट देखना अपने आप में ही जो है एक रोचक चीज थी। तो दोस्तों, यदि आप सनसेट देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए और जो है इस पॉइंट पर पहुंच जाइए ताकि आप सनराइज देख पाए। चलिए कुछ और बातें करते हैं दोस्तों कन्याकुमारी के बारे में। तो ये एक जो है यहाँ हिंदुओं में एक जो है बहुत फेमस पर्यटक स्थल है। और दूसरी चीज, ये जो है जो टूरिस्ट है दोस्तों वो भी यहाँ बहुत आते हैं, श्रद्धालुओं के अलावा भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर तीन समुंदर जो है मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, यहाँ तीनों मिलते हैं। इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जहाँ समुंदर अपने विभिन्न रंगों से जो है ये जो है बहुत खूबसूरत जो है नजारा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी पहले केप कोमरम के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान भी हैं। समुद्र के बीच इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यहाँ उनकी विशाल आदमकद मूर्ति है। इसी के पास एक दूसरी चट्टान पर तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति भी है। दोस्तों, यहां स्थित गांधी मंडप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। बताया जाता है कि महात्मा गांधी 1937 में यहां आए थे। कहते हैं कि
1948 में कन्याकुमारी में भी उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो दोस्तों सामने जो दिखाई दे रही है वही है विवेकानंद जी की स्थली। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको सूर्य उदय दिखाया, तो कन्याकुमारी अपने सूर्य उदय के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ होती है सूर्य उदय देखने के लिए। शाम को सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। और यहाँ से जब जो मैंने आपको पहले दिखाया सनसेट पॉइंट, वो भी जो है यहाँ देखने लायक जगह है। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर वाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं हो सकता। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया था। दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी शिव की भगत थी और भगवान शिव ने से विवाह करना चाहती थी। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि वाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाने लगा और वाणासुर के वध के बाद कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना गया है। तो दोस्तों जो पीछे आपने मंदिर देखा था वो कन्याकुमारी का ही था। और अब हम आ पहुंचे हैं सूर्य उदय देखने के बाद और वो मंदिर के दर्शन करने के बाद अपने होटल में, और अभी जो है भोजन करके हम जाएंगे दोस्तों विवेकानंद स्थली पर। तो अब हमारे सभी यात्री भोजन करते हुए दोस्तों, तो इस होटल में हम रुके थे तो ये भी काफी अच्छा होटल था। तो अब हम जा पहुंचे हैं दोस्तों विवेकानंद स्थली के लिए और हम लाइन में खड़े हैं दोस्तों। तो ये दो लाइनें हैं, एक लाइन में 50 रुपए की है, ये सामने वाली 50 रुपए की है, और जिस लाइन में हम खड़े हैं उसमें टिकट है 200 रुपए की। तो 200 रुपए वाली जो टिकट है दोस्तों उसमें थोड़ा जल्दी नंबर आ जाता है, और दोनों में जो है काफी भीड़ थी दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं विवेकानंद स्थली की तरफ। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, जो जिस मंदिर में अभी हम गए थे वो माता कुमारी का ही मंदिर था, जहां देवी पार्वती के रूप में कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में जब हमने प्रवेश किया था दोस्तों, तो ऊपर से जो टी शर्ट या जो शर्ट लोग पहन के जाते हैं उसको उतरवा दिया जाता है। तो दोस्तों 200 रुपए तो थे स्टीमर का किराया, और यहाँ पर आने के बाद विवेकानंद रोक पर आने के बाद यहाँ पर भी 30 रुपए का एक टिकट और लगता है इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है विवेकानंद जी का जो है मंदिर है, इसमें जो है उनसे संबंधित जो है सारी चीजें, उनकी माता उनके गुरु के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। एक मेडिटेशन सेंटर है दोस्तों, आप वहां बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो यहां से चारों तरफ का जो नजारा है कन्याकुमारी का वो बेहद खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों एक कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट पर रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर जो है बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। चलिए दोस्तों बातें करते हैं विवेकानंद शिला के बारे में। तो विवेकानंद स्मारक शिला रामकृष्ण मिशन के संस्थापक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1963 और 1970 के बीच लाल और नीले ग्रेनाइट में बनाया गया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दो मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। श्रीपाद मंडपम श्रीपाद पराई पर स्थित है, जिसके ऊपर कन्याकुमारी देवी का पद चिन्ह है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पर मेडिटेशन करते थे। तो दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है सनराइज कैलेंडर, और इसके अनुसार ही सूर्य उदय होता है। तो यदि आप देखेंगे तो इसके अनुसार जो है हर रोज यानी कि प्रतिदिन जो है समय इसी के अनुसार जो है होता है और सूर्य उदय होता है। तो दोस्तों ये है विवेकानंद मंदिर। तो दोस्तों जो जगह हमने आपको दिखाई इनके अलावा भी जो है आप कन्याकुमारी में कई चीजें और देख सकते हैं। उनमें से है उदयगिरी का किला जो शहर से 14 किलोमीटर दूर है। आप कन्याकुमारी में कन्याकुमारी के बीच देख सकते हैं, काफी सुंदर हैं, अच्छे हैं, नहाने लायक हैं दोस्तों। आप इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों अवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च
काफी सुंदर चर्च है दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं पद्मन आभापुरम महल, ये भी काफी सुंदर है दोस्तों। आप इसके अलावा देख सकते हैं ओला करवी झरना, यानी कि जो है वाटरफॉल, यहाँ पे काफी सुंदर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं त्रिचेदुर मंदिर, ये भी काफी सुंदर है दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं सुनामी स्मारक, ये भी काफी अच्छा है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों कि कन्याकुमारी कब जाना चाहिए, तो दोस्तों अक्टूबर से फरवरी के बीच में यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है, तो हमें इस दौरान यहाँ पर जाना चाहिए। और दोस्तों ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है गांधी स्मारक। और अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ। तो दोस्तों बातें करते हैं कि कन्याकुमारी कैसे पहुंचे। तो कन्याकुमारी का सबसे जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कन्याकुमारी से लगभग 67 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर दोस्तों सभी शहरों से ट्रेन के जरिए भी आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप चेन्नई, त्रिवेंद्रम और बेंगलोर से जो है बसों से भी जो है आप यहाँ कन्याकुमारी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सामने कन्याकुमारी का बीच, काफी सुंदर है। काफी भीड़ थी दोस्तों यहाँ पर, लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ नहा रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कन्याकुमारी का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो कन्याकुमारी बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आगे दूसरे वीडियो में और किसी नई जगह पर दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।